अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे घर में बन रहा है कलेजी और इसमें जो है ना मैंने एक जगह मैंने सब कुछ सामान डाल दिया है। दो टमाटर काटा हुआ है, दो प्याज काटा हुआ है, 8 मिर्ची और ये लहसुन डाला हुआ है, अदरक डाला हुआ है, तो एक ही जगह है ना ये सब डाला हुआ है। इस तरह ना ज़बरदस्त सालन बन जाता है कलेजी का। और इसको जो है ना तकरीबन आधा घंटा इस तरह आपने चूना मसाला नहीं डालना है, आधा घंटे के बाद तकरीबन फिर मसाला और नमक डाल देना है। और ये मेरा दूसरा दोस्त जो है ना ये भी बना गाय का गोश्त बना रहा है, ये भी वीआईटी किस्म का बना रहा है। और तीसरा जो है ना वो भी गोश्त बना रहा है। तो ये जो है ना तीन किस्म के डिश बन रहे हैं तीन चूल्हों पर। और ये गाना भी गा रहा है, ये जब खुश होता है ना ऐसे गाना गाता है, बाथरूम में भी गाना गाता है। तो ये इस सालों को मैं आधा घंटा छोड़ूंगा और अभी मैं आटा गूंदूंगा। इसके लिए जो है ना कलेजी के साथ जो है ना चावल अच्छे नहीं लगते, पराठे अच्छे लगते हैं, पराठे बनाऊंगा दो। चलो फिर बाद में आता हूँ। तो कलेजी मेरा तैयार हो चुका है और अभी बन रहा है पराठा। दो पराठे बनाऊंगा, डबल पराठे। ये जो है ना इसको मैंने एक दफ़ा सीधे किया, फिर उसको अंदर आयल लगाया, फिर उसको गोल गोल जो है ना घुमाया और फिर यानी कि डबल पराठा बना दिया। और ये दूसरा भी इसके लिए तैयार किया है पेड़ा। तो दो पराठे तैयार हो जाएंगे, ये फिर कलेजी के साथ खाऊंगा। चलो जब तैयार हो जाए फिर आप लोगों को देगा। मेरा कलेजी तैयार हो चुका है, मैंने कलेजी बना दिया, बहुत ही इंशाल्लाह अच्छा बना होगा। और ये दो पराठे भी बना दिए, देखो पराठा देखो कितना बड़ा पराठा बना दिया। इतना बड़ा पराठा था कि तवे पर भी नहीं आ रहा था। तो ये इसलिए बड़ा हो गया ना क्योंकि मेरे पैन से जो है ना इसको सीधा करके बैलेंस से रखा था, तो बाद में नरम होके बढ़ गया तो तवे पर भी नहीं आ रहा था। दो पराठे बन गए। ये कलेजी है, पाकिस्तानी स्टाइल की कलेजी बना दी मैंने, तो अभी इसको आके देखेंगे जी कैसा लगता है। और इस कलेजी को जो है ना अगर बनाना है तो सब कुछ एक ही जगह डालना है, अलग अलग सा प्याज टमाटर नहीं डालना एक जगह, फिर अच्छा बनेगा इंशाल्लाह आपका कलेजी। तो इस तरीके से मेरे तरीके से आप लोग बनाओगे तो इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, दला पैमान।